शेखावाटी अंचल के रामगढ़ सेठान में राजस्थान टूरिज्म इंटेक श्रुति फाउंडेशन दिल्ली के तत्वावधान में वेदारण्य हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल आयोजन की शुरुआत हुई। 29 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत सीकर के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर की। ये रामगढ़ शेखावाटी के बीच में जो श्रुति पोद्दार जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है जो वाह फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का और बहुत ही अच्छे जो कलाकार इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हैं उनको बुलाया गया है। स्टैंडर्ड जो है वो मैं शायद शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगा। तो पिछले 7 सालों की जो हमारी परंपरा है धीरे 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 उन सबको बढ़ाने की, वो तो चल ही रही है। और उसमें इस साल जो कि कलाकार आ रहे हैं वो हिंदुस्तान के बहुत नामी कलाकार हैं जो कि इस ज़मीन को और इस ज़मीन की कहानी को अपने शब्दों में अपने साथ कहेंगे। शुरू से ही 8 साल से हम बड़े से बड़े पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और बाहर के हमारे यूके से आर्टिस्ट आते, आयरिश आर्टिस्ट आए हुए हैं, अमेरिकन आर्टिस्ट आए हुए हैं, ईरानियन आर्टिस्ट हैं इस टाइम, तो बहुत सारे आर्टिस्ट और उसके साथ साथ हमारे मीर, सूफी मीर राजस्थान के यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कालबेलिया करते हैं और हमारे भोपा भोपी यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट लोकल भी जो हमारे यहाँ के मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बाहर से भी, अब पुणे से आर्टिस्ट आ रहे हैं, दिल्ली से आर्टिस्ट आए हैं, जगह जगह से आर्टिस्ट आए हैं। तो हम चाहते हैं कि बाहर के भी आए और हमारे लोगों को भी प्रोत्साहन मिले। मैं यहाँ 3री बार आ रही हूँ और 2 बार मैंने यहाँ पे कार्यक्रम भी अपना प्रस्तुत किया है और मुझे लग रहा है कि ऐसे वाली जो बात आपने करी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने व्यस्त ज़िंदगी में जो शहर में रहते हैं हमें लगता है कि वही हमारी दुनिया है, लेकिन जब हम यहाँ आके यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और यहाँ की सुंदर जो हवेलियाँ हैं उनको देखते हैं तो पता लगता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी परंपरा जो क्या है